ये भेजिए मैं जरा पढ़ लूं। I think when Muhammad gave him unlimited women, it is only fair in return he gave women for satisfaction. गालिब साहब, मैं तो कुछ नहीं बोलूं। इसके ऊपर अब क्या बात की जाए? मसला ये है कि मोहम्मद मैरिड लाइफ वाज अ क्राइसिस, कोई बड़ी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, पहले वाली ना बाद वाली, क्योंकि पहले वाली में ये था कि जी he married an old woman, दूसरी वाली में ये था कि he was too old, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए बहुत सी ऐसी, मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि बुड्ढे जो होते हैं ना, बुड्ढे वो, उनके पास जब कुछ करने को नहीं रहता ना, तो वो फिर गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। आप देखें बुड्ढे लोगों, दो चार बुड्ढे बैठे हो ना, सबसे ज्यादा गंदी बातें वो करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो तो सामान तो उस टाइम इनकार कर चुका होता है, तो फिर वो क्या करें, फिर वो बातों में ही ठरक पूरी करते हैं, जिसको पंजाबी में कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। हमें, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात फिर रैप अप करता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, हम फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यार मैंने आपको एक वीडियो भेजा है लड्डन जाफरी का, अगर आप उसको चलाएं। मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ कि फेसबुक का है शायद, सर वीडियो ना चलाने का, ना चलाएं, जब तलवार गिरती है तो फिर इश्यूज बहुत बनते हैं, इसलिए मैं आपको देखा, आपने देखा होगा पीछे स्ट्रीम्स में भी मैंने वीडियो चलानी छोड़ दी है, क्योंकि कई वीडियो चलाने वाला काम बनता है। अच्छा, ये वॉरियर ऑफ टुडे पे जो बात कर रहे थे, उसमें इस पे थोड़ी सी ऐड करनी, एक चीज ऐड करनी थी, वो मोहम्मद की बात आप कर रहे थे और बुड्ढे होने की बात कर रहे थे, तो उसमें आप, मेरे पास अब पॉसिबल नहीं है वो लिंक शेयर करना। आई विश कि मैं वो माहलीज वाला जो है वो लिंक शेयर करता। वाले को भेजा था ना कल मैंने, मैंने देखी है वीडियो आपकी, मैं हंसी आ रहा है वो, मैं वो हमारा एंड पे हम चलाएंगे उसको, ठीक है। असल सिचुएशन जो है मोहम्मद वाली, वो बेसिकली माहलीज ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था कि उसके साथ वही मामला था कि 40 साल तो वो बेचारा कुछ कर नहीं सका, तो मालिज कहती है 30 साल कुछ करोगे नहीं तो उसके बाद क्या होगा। यार हम रहने दो, इतने साल इस्तेमाल नहीं करो, फिर तुम उसको उठा देते हो, कहते हो चलो अब परफॉर्म करो, तू कैसे करेगा, राइट, इट्स हाउ कुड यू। यार ये आखिर पे प्लीज टेक कीजिएगा गालिब साहब, अगर आपके पास है तो। चल यार मैं फिर चला देता हूँ महलीज की वीडियो, नहीं दूसरी वाली पहले चलाओ यार, मुझे देखना पड़ेगा कि किधर है वो। मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। हां आप करें जरा, आप मैं इसको अब डाउनलोड पे टाइप करो, अपनी वीडियो खुद ही आ जाएगी। नहीं मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पता नहीं आजकल व्हाट्सएप को क्या तकलीफ हुई हुई है, ये कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं कर रहा। अच्छा चलें, आप मुझे लिंक भेजें ना जरा प्राइवेट चैट में, वहां से निकाल लेता हूं मैं। एक मिनट मैं देखता हूं, मालिज ने मुझे व्हाट्सएप की हुई थी, WhatsApp पे मुझसे डाउनलोड नहीं हो रही, वरना मैं चला देता, मगर इशू ये है कि मैं वो WhatsApp से निकाल के ना आपको प्राइवेट की भेजने की कोशिश करता हूँ। चलो ये मैंने WhatsApp पे प्ले कर दिया, असल में मैं जो ना थोड़ा सा इस बारे में केयरफुल रहना चाहता हूँ, और कोई इशू नहीं है, ये तो अपनी वीडियो है। नहीं WhatsApp स्क्रीन पे नहीं लेके आना चाहता, ये इशू है। अच्छा नहीं, मेरा मेरे फेसबुक वाला खोल लिया, ठीक हो गया। कोई लॉली वाला बंदा है, वो मेरे वीडियोस लगा रहा था, पूरे वीडियोस ना, तो उसको मैंने पहले वार्निंग दी, मैंने कहा हटा दो, नहीं सुना उसने, फिर मैंने स्ट्राइक मारी है, तो उसकी ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं, प्लीज अब नहीं करूंगा, यू नो, नो अब लग गई ये आ गई है मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स। प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है भैया, कितने प्रॉब्लम है पाकिस्तान, मर्दाना बड़ी प्रॉब्लम है भैया, कितने लोग जाते हैं पीरों फकीरों के पास, भैया हमारा खड़ा नहीं हो रहा, किसी तरह से खड़ा करवा दो प्लीज। हाँ ओ यार, जब 30 साल तक कोई सेक्स नहीं करेगा ओके ना, तो फिर वो कैसे खड़ा होगा? 30 साल तक आप अपना हाथ यूँ छोड़ दो, इस्तेमाल नहीं करो, तो आपका हाथ इस्तेमाल होगा, नहीं होगा ना तो बस नहीं होगा। 30 साल के बाद आप कहते हो अच्छा जरा वही जाको में काम करना है, वो कहता है कौन सा काम, मेरे को तो पता नहीं, तुम्हें तो कभी हिलाया नहीं, मेरे को अब मुठा के दौड़ो, मैं कैसे दौड़ो, कुछ के नाम तो फिर दौड़ेंगे, तो फिर वो भाई हैंगरा ले रहे भागते। ये भी फकीरों के पास जाते हो ना, वो गोल मटोल के वही पाएगा का चूरा बना के ना तुमको चूरन दे देते हैं ये लोग, काबू खड़ा हो जाएगा। तुम लोग वही काला चूरन लेके घर आके खाते हो, कहते हो वाह जी पीर फकीर जी ने क्या काम किया यार। बस मैं भी गर्म हूँ होकर हिला रहा हूँ। क्यों आप चूल्हे पे बैठे? चूल्हे पे बैठे हो? नहीं वो चूल्हे पे नहीं बैठा था। होकर हिला रहा हूँ। क्यों आप चूल्हे पे बैठे? क्या हेलो जी यार। ठीक है जी, तो ये थी जी महलीज। नौजवानों को चूल्हा ही मिल रहा है बेचारों को। अच्छा यार सारी बातें बीच में रह जाएंगी भाई। एक दफा मैं आपको दोनों बंदों के चैनल दिखा दूं, ह्यूमन बीइंग का भी। एक सेकंड यार, एक तो इशू ही बना, मेरे पास एक इशू बना है जिसको ये स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से। अच्छा जी, तो जब तक आप चैनल दिखाएं, मालिक ने सच बोला है तो पाकिस्तानियों की हट रही है, सच कड़वा होता है। अच्छा जी, ये है जी ह्यूमन बीइंग का चैनल भाई। ये मैं इसका लिंक भी इधर दे देता हूँ आप लोगों को, जाके भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आपने घर की बुड्ढों की मर्दों की बेइज्जती और उनकी औकात याद दिलाने के लिए देखना है तो फिर जाके आपको महलीज का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी मैं यहाँ से, ये है जी महलीज साहब ने कहा कि खादिम रिजवी की जगह ना उस पार्टी को महलीज को बना दो वहाँ का चीफ, ठीक है जी। तो ये जी अब ये महलीज का चैनल है जी, आप जाके जरूर देखें। ये महलीज का भी लिंक मैं चैनल का आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, और जाके ये ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलना, क्योंकि जब आप ऑल नोटिफिकेशंस नहीं ऑन करते तो फिर क्या होता है जी कि आपको सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन वाकई आपको नहीं मिलता। लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशंस आप ऑन करेंगे तभी मिलेगा। वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे नहीं पता, वो शायद फिर भी मिल जाता हो, ठीक है। तो स्पार्टकस का चैनल तो मेरे ख्याल दिखाने की जरूरत नहीं है आगे, है नहीं सरकार। अब ऑलरेडी काफी फेमस है। तो ये देखें जी, ये एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस का चैनल है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे ह्यूमन बीइंग के चैनल के ऊपर कोई बंदा ऐसा होगा जिसने एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस का चैनल नहीं देखा होगा, तो ये भी जाकर देख लो भाई, ठीक है। तो ये है जी स्पार्टिकस का चैनल। और फिर अब मुझे लगता है आपको गालिब कमाल का चैनल भी दिखा देना चाहिए, जो स्पार्टिकस के और ह्यूमन बीइंग के चैनल पर देख रहे हैं। ये है जी गालिब कमाल का चैनल। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं।